आप सभी को नमस्कार। जून में अभी अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटल फील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए 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 मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।